लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। समूचे ऐरोली क्षेत्र में विकास की गंगा बहाते हुए ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के हाथों ऐरोली में अनगिनत और विविध नागरी विकास कामों का भूमि पूजन बड़े ही जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ। अपने विधायक निधि से अंजाम दिए जाने वाले इन कामों में दीवा कोलीवाड़ा चौक पर स्थापत्य कामों का शुभारंभ, प्रभाग क्रमांक 12 सेक्टर 2 की खुली जगह पर आसन व्यवस्था का शुभारंभ, प्रभाग क्रमांक 18 सेक्टर 5 स्थित जय जवान एसोसिएशन के सामने एवं दक्षिण मुख हनुमान मंदिर के बाजू में मौजूद उद्यान में गजेबो का निर्माण करना, प्रभाग क्रमांक 16 सेक्टर 4 स्थित धर्मवीर संभाजी राजे उद्यान में गजेबो का निर्माण करना आदि काम मुख्य रूप से शामिल थे। इस अवसर पर मौजूद थे ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, ज्येष्ठ नेता अनंत सुतार, पूर्व नगर सेविका शशिकला सुतार, राजेश मड़वी, एडवोकेट संध्या सावंत, निकेतन पाटिल, कार्यकर्ता एवं तमाम नागरिक। इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए विधायक गणेश नाइक ने कहा कि न केवल ऐरोली बल्कि पूरे शहर को हर स्ट्रीम में अव्वल रखना उनकी प्राथमिकता है। गणेश नाइक ने कहा कि जब जनहित में अपने विधायक निधि का सही ढंग से इस्तेमाल होता है तो इसकी खुशी बयां नहीं की जा सकती। ऐरोली में मैं जब आया, दीवा नाका से शुरुआत की और पूरा ऐरोली का एक सर्कल लिया, जिसमें आमदार फंड से जो काम करने थे उसका शुभारंभ आज किया है। यहाँ पे न किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम लेके कुछ ऐसी लोगों में दुख या क्रोध भरी बात निर्माण करने के मेरा बिल्कुल इरादा नहीं। जैसे मैंने कहा है कि 1995 से गणेश नाइक के नेतृत्व पे लोगों ने विश्वास रखा, 2020 तक 25 साल आगे चल के भी जब तक गणेश नाइक चाहेगा तब तक ये नई मुंबई की जनता का प्यार गणेश नाइक को मिलते रहेगा। इसलिए नई मुंबई के जनता के लिए एजुकेशन का स्ट्रीम हो, आरोग्य का स्ट्रीम हो, पानी का स्ट्रीम हो या यातायात का स्ट्रीम हो, वो सब कुछ लोगों के मन में जो बातें हैं उसको उनको सुन के उसमें से सही रास्ता निकालने का इरादा किया है और उसको हम लोग पूरा करें। जब लोगों बच्चों लोगों के लिए कुछ खेल कूद के लिए कुछ काम में निधि आ रहा है, कहा सीनियर सिटीजन के लिए गैजियो बनाने के लिए काम में आ रहा है तो उसका खुशी ही है। और ये काम हम लोग सूचित करते हैं जिलाधिकारी महोदय को और जिलाधिकारी महोदय वो फंड माननीय आयुक्त के कंट्रोल में देते हैं और वहाँ से वो काम हो जाता है। सुजान जनता है, जनता ने अपने लिए सही लोगों को चुना तो उन पे जिम्मेदारी आ जाती है और जिम्मेदारी खाली कॉर्पोरेटर पे नहीं, कॉर्पोरेटर को चुन के देने वाले कार्यकर्ताओं का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो सबको साथ लेके सबका विकास करने की जो भावना रखेंगे तो सबका विश्वास भी आता है। मैं कल परसों ही पत्र दे दूंगा नगर विकास मंत्री महोदय को, उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो गलती से भूले होंगे मुंबई को देते टाइम में, ठाणा को देते टाइम में, तो वो गलती सुधारेंगे। नहीं तो विधान भवन में जुलाई में विधान भवन है उस टाइम में गणेश नाइक का जो डंका पिटने का काम है वो पक्का करूँगा। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।